बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबे शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको नंबर ऑफ हॉलीडेज काउंट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपको काउंट नंबर ऑफ हॉलीडेज आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं और इसकी कंडीशन जो है वो एक्सेल के ऊपर आप कैसे बना सकते हैं, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक शीट बनी हुई है। इस शीट के अंदर हमारे तमाम एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है। अब हमारे पास जो है तमाम एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। अब इन ज्वाइनिंग डेट के बाद से लेकर जो आपकी करंट डेट तक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ ईयर्स कितने मुकम्मल हो चुके हैं और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने बनते हैं, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से जो है वह हर एम्प्लॉयर्स को अकॉर्डिंग टू उनके ईयर के हिसाब से उनकी कितनी नंबर ऑफ हॉलीडेज हम उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास जो है वो डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट मौजूद है। अगर हम यहाँ पर करंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं करंट डेट के लिए सिंपल टुडे का फॉर्मूला यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर डेट आ जाएगी करंट डेट। तो इसको मैं यहां से ड्रैग करूंगा तो सेम डेट के ऊपर हम यहां पर काम कर रहे हैं। अब हम यहां पर जो है वो ईयर्स देखेंगे कि हर एम्प्लॉयर्स का जो टारगेट यानी कि जो उनके ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं तो कितने हो चुके हैं। तो इसके लिए आप यहां पर डेटेड इफ का जो है फॉर्मूला है वो आपने यहां पर राइट करना है। अब सबसे पहले आप जो है यहां पर आप अपने करंट डेट को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट होगी, कॉमा, और डबल कोटेशन के अंदर आपने यहां पर वाइड राइट करना है, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे, अच्छा यहां पर आपके पास एरर आ रहा है, तो इसके अंदर आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग डेट पहले लिख लीजिएगा और करंट डेट बाद में, इसके बाद एंटर करेंगे तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ चुका है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर वन है इसकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर करंट डेट तक के जो है वो कितने ईयर्स यहां पर जो है वो कंप्लीट हो गए, तो वो हमारे कैलकुलेशन में आ चुकी है। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सब एम्प्लॉयर्स के जो है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ चुके हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ हॉलीडेज हम यहाँ पर किस हिसाब से जो है निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन बनाई हुई है, अगर हमारे एम्प्लॉयर को 10 ईयर्स से मुकम्मल यानी 10 ईयर्स से ऊपर या 10 ईयर्स हो चुके हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा जो 60 डेज का जो हॉलीडे दे रहे हैं। इसके अलावा जिनको 5 ईयर्स या 5 ईयर मुकम्मल हो चुके हैं उनको हम यहाँ पर 30 डेज दे रहे हैं, जिनको 2 ईयर्स या इक्वल 2 ईयर्स जिन हो चुके हैं उनको हम 10 डेज एक्स्ट्रा जो है वो हॉलीडे हम दे रहे हैं। अब इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल। अगर आपकी जो कंडीशन है ईयर वाइज, तो अगर ये ईयर्स अगर आपके ग्रेटर होते हैं तो मैं यहाँ पर सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैनुअल भी टाइप कर सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लेते हैं, अगर 10 ईयर्स से इक्वल है या 10 इक्वल से ग्रेटर है या इक्वल है तो कंडीशन में क्या आ जाए, तो इधर हम यहाँ पर लिखेंगे 60, कॉमा, इफ कंडीशन दोबारा बनाएंगे, दोबारा से हम लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे अब इक्वल टू 60 के बाद, अब आपके पास है यहां पर 5 ईयर्स, तो मैंने यहां पर लिखा 5 कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए 30, तो मैंने यहां पर लिखा 30 कॉमा, उसके बाद दोबारा से इफ कंडीशन, दोबारा से आपने एयर वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ईयर्स और उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और 2 ईयर्स के मुताबिक जो है हमारे पास कितनी डेज बनते हैं 10 डेज, तो मैं यहां लिख दूंगा 10, उसके बाद कॉमा लगा दूंगा और 0 लगा दूंगा फॉल्स कंडीशंस के लिए, और उसके बाद तमाम ब्रैकेट्स जितने मैंने ओपन किए उतने ही मैं क्लोज कर लूंगा, तो 3 ब्रैकेट्स मेरे ओपन थे और 3 ब्रैकेट मेरे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर इंटर, जैसे इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं 10 ईयर्स से अबव है तो नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने बन रहे हैं यहाँ पर 60। इसको मैं करूंगा ड्रैग, तो जैसे ही ड्रैग करूंगा तो देखें यहाँ पर 10 से अबव जिनके ईयर्स हैं उनकी आपकी जो हॉलीडेज है वो 60 बन रही है, और जो अंडर 10 है यानी 5 से ग्रेटर है तो वहां कितनी बन रही है 30 डेज जो है इनके नंबर ऑफ हॉलीडेज बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ईयर्स जो है वो आप यहां पर नंबर ऑफ हॉलीडेज निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।